फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपने लैपटॉप और पीसी का स्पीड बढ़ा सकते हो। आप सभी ये जानते हैं कि जब हम नया लैपटॉप या पीसी खरीदते हैं तो वो बहुत फास्ट होता है, पर टाइम के साथ साथ ये स्लो होने लगता है। मैं इस वीडियो में आपको गाइड करूँगी और स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि आप कैसे अपने सिस्टम का स्पीड अप कर सकते हो कुछ छोटे चेंजेस करके। तो वीडियो को ध्यान से देखें और आखिर तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पीसी या लैपटॉप के सर्च मेनू में कंट्रोल पैनल सर्च करें, कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। हार्डवेयर एंड साउंड को क्लिक करें, फिर पावर ऑप्शंस को, फिर क्रिएट ए पावर प्लान। इस पेज में क्लिक करें हायर परफॉर्मेंस को। एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ आप अपने मुताबिक सेटिंग का टाइमिंग चेंज करें एंड क्लिक क्रिएट। स्टार्टअप ऐप्स वो ऐप्स होते हैं जो आपके सिस्टम ऑन होते साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं। हम टास्क मैनेजर खोल लेते हैं बाय क्लिकिंग कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट। फिर स्टार्टअप पेज पर क्लिक करें। यहाँ पर जो भी अनवांटेड ऐप्स हैं उन्हें डिसेबल कर दें। ध्यान रखें कि एंटीवायरस और माइक्रोसॉफ्ट के ऐप्स को आप ना छेड़ें। अगर ये अनवांटेड ऐप्स नहीं होंगे तो आपका सिस्टम काफ़ी फास्ट हो जाएगा। सर्च मेनू में डिफ्रैगमेंट टाइप करें। आपको ऊपर डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स दिखेगा, उसे क्लिक करके ओपन करें। यहाँ सी ड्राइव क्लिक करके फिर ऑप्टिमाइज पर क्लिक करें। ये थोड़ा टाइम लेगा, कुछ मिनट्स। ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो जाने पर क्लोज कर दें। क्लिक ऑन माय पीसी, फिर राइट क्लिक करें ऑन सी ड्राइव। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें। यहाँ डिस्क क्लीन अप पर क्लिक करें। ये आपका सी ड्राइव पर टेम्पररी और अनवांटेड फाइल्स को क्लीन कर देगा। यहाँ पर आप वो फाइल्स को क्लिक करें जो आप क्लीन करना चाहते हो। फिर प्रेस करें डिलीट फाइल्स। स्टार्ट मेनू पर सिस्टम टाइप करके सर्च करें, फिर सिस्टम पर क्लिक करके उसे ओपन करें। इस पेज पर एडवांस सेटिंग पर जाएं, फिर गो टू परफॉर्मेंस विजुअल सेटिंग। यहाँ क्लिक करें एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। फिर आपको जो सेटिंग चाहिए उन्हें क्लिक करके ऑन करें, देन अप्लाई एंड ओके। सर्च में रन को टाइप करके सर्च करें, फिर रन को क्लिक करें। यहाँ आप टाइप करें परसेंटेज टेम्प परसेंटेज परसेंटेज TEMP परसेंटेज, फिर कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके सिलेक्ट ऑल कर लें और फिर डिलीट कर दें। दोबारा रन में जाएं और
टेम्प टाइप करें, TEMP टेम्प, फिर कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके सभी फाइल्स को सिलेक्ट करें और फिर डिलीट कर दें। फिर से सर्च मेनू में रन को सर्च करें और फिर रन ओपन हो जाए तो उसमें टाइप करें प्रीफेच, PREFETCH। कंट्रोल प्लस ए को प्रेस करके सिलेक्ट ऑल आइटम्स करें, फिर सभी फाइल्स को डिलीट कर दें। सर्च मेनू में रन टाइप करें, फिर रन में टाइप करें msconfig, msconfig। यहाँ हमें सर्विसेस में जाना है, फिर सबसे नीचे हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेस को क्लिक करना है। कुछ भी डिसेबल ना करें, सिर्फ हाइड कर दें। हमने जो भी क्लीन अप किया है वो सब जाकर रिसाइकल बिन में जमा हो गया है। अब हमें उसे क्लीन करना है, तो रिसाइकल बिन पर क्लिक करें और उसे ओपन कर लें। कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके सभी फाइलों को सिलेक्ट करके और फिर डिलीट कर दें। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।